बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नाही दस्कर। आज हम जो काम करने वाले हैं वो मश्क है जो हमने वाहिद और जमा के बारे में पढ़ा, और वाहिद और जमा के बारे में हम अब मश्क करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना पता चले। मेरे साथ जरा इस मश्क को कीजिए और जरा देखते जाइए कि हमारा वाहिद जमा के साथ कैसे मिलता है। ये चंद अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि वाहिद है, इनको आपने इनके मुतलक जमा के साथ बताना है। अंडा कहाँ लिखा हुआ है, अंडे मिलाए उसको, अंडा को उसकी जमा अंडे के साथ मिलाए जहाँ अंडे लिखा हुआ। बस्ता बस्ते के साथ मिलाए, बस्ता कहाँ लिखा हुआ है, बस्ते। ताला ताले, ताले के साथ मिलाए। जूता जूते, जहाँ जूते लिखा हुआ है वहां। आगे बकरा, बकरा बकरे, ये बड़े के साथ जमा बन गए बन रही है, इसको बकरे जहाँ लिखा हुआ है वहां मिलाए। इसी तरह से दरवाजा, दरवाजे के साथ मिलाए, कहाँ लिखा हुआ है दरवाजे वहां मिलाए। पत्ता, इसकी जमा कहाँ है, पत्ते। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम वाहिद को उसकी जमा के साथ मिलाया। हमें ये सीखा कि वाहिद की जमा कैसे लिखी हुई, कहाँ कहाँ लिखी हुई थी। आपको पहचान हो जाएगी तो आपको समझना ही होगा। अब आपको पता चल गया कि एक वाहिद जो है वो कैसे लिखा जाता है, और जमा जब हम उसकी बात करते हैं तो ज्यादातर उसके आगे बढ़ गई है। हमारा आज का सबक, आज की मशक यही थी। इसी मशक के साथ इंशाल्लाह ताला अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले सबक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।